हम पढ़ेंगे बैटरी चैप्टर अपने सिलेबस के हिसाब से। सेल क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है। एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली होती है वो कार्बन की बनी होती है, और जो नेगेटिव वाली होती है वो जिंक की बनी होती है। जब हम किसी लोड को किसी सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो जिंक वाली प्लेट होती है ना, वो डिजॉल्व हो जाती है H2SO4 के सॉल्यूशन में, और वो फॉर्मिंग बना लेती है ZnSO4। इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स और प्लेट एक ही बात है। इलेक्ट्रोड्स और कंडक्टर, इलेक्ट्रोड्स कंडक्टर होते हैं जिसके द्वारा करंट बाहर जाता है और रिटर्न वापस इलेक्ट्रोड्स में, इलेक्ट्रोलाइट में आता है। इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इलेक्ट्रोड्स दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली होती है वो एनोड होती है, और जो नेगेटिव वाली होती है वो कैथोड होती है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जो एक्ट करता है इलेक्ट्रोड्स पर, और इलेक्ट्रोलाइट एक रास्ता प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए। मे बी ये सॉल्यूशन सॉल्ट भी हो सकता है, एक एसिड भी हो सकता है, या फिर एल्गान सॉल्यूशन भी हो सकता है। कंटेनर कंटेनर का यूज हम इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। तब ये एक्ट करके सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल ये वो सेल होते हैं जिसमें एक ही बार केमिकल एक्शन होता है, और ये रिचार्जेबल नहीं होते। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसमें कितने भी बार केमिकल एक्शन हो सकता है, और जब जब ये चार्ज होते हैं तो इसमें केमिकल होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये केमिकल एनर्जी बना के उसे कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। केमिकल एक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन। अ सेल इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल वो सेल होते हैं जिसमें लेड और एसिड दोनों का यूज किया जाता है। इन सेलों और इन बैटरियों का यूज कार में ज्यादातर यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, कई जगहों पर यूज किया जाता है इसको। जब भी चार्ज होती है तो इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स होती है ना, तो जो जब ये चार्ज होती हैं तो जो पॉजिटिव वाली होती है वो चॉकलेट ब्राउन कलर की दिखाई देती है, और जो नेगेटिव वाली होती है वो ग्रे कलर की नजर आती है। और जो पॉजिटिव वाली होती है वो PbO2 होती है, मतलब लेड पर ऑक्साइड, एंड जो नेगेटिव वाली होती है वो स्पॉन्गी लेड होती है। ये एल्काइन केडियम सेल, ये एल्काइन के हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एल्काइन निकेल आयरन सेल, और एक होता है निकेल केडियम सेल। ये कनेक्शन हम लेड एसिड बैटरी के लिए करते हैं। जब हमें
वोल्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है वोल्टेज की। जब हमें 6 वोल्ट चाहिए तब हमारे पास वोल्ट एक सेल तो इतना वोल्टेज दे नहीं सकता, इसलिए हम इसे सीरीज में कनेक्ट करके वोल्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं। पैरेलल में जब हमें करंट की और वोल्टेज दोनों की ज़रूरत होती है, जब हमें वोल्टेज और करंट की ज़्यादा ही रिक्वायर पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, सीरीज और पैरेलल। बैटरी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, करनी चाहिए। हमें एक सेपरेटर होता है जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है, उसकी सफाई करनी चाहिए। हमें इसे मीडियम टेम्परेचर पे एक समान टेम्परेचर पर रखना चाहिए, और इसको हमें ज़्यादा चार्ज भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं होने देना चाहिए। इस तरीके से हम इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। और अगर हम इसे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो इसकी जो बैटरी की लाइफ टाइम, मतलब जितना करने की क्षमता है, वो बेकार हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा चार्ज भी नहीं देना चाहिए और इसको डिस्चार्ज भी नहीं होने देना चाहिए। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।